तो स्वागत है सभी का नए दिन नए व्लॉग में। आई होप कल का व्लॉग देखा होगा और मजा आया होगा। कल कहे थे कि आज एक जगह आना पड़ सकता है, आ चुके हैं उस जगह। उस जगह का नाम है भाई बनारस। बनारस हमें किसी कारणवश आना पड़ा है और अभी हम एक जगह खाना खाने के लिए भाई रुके हैं। तो भाई अपना स्टेशन दिख सकता है और यहाँ पे देखो रेल कोच रेस्टोरेंट करके है। ये भी सोचा कि जरा यहाँ आके ट्राई करते हैं भाई, अलग टाइप का कॉन्सेप्ट तो है ये भी। सिटी स्टेशन वाराणसी में रेल कोच रेस्टोरेंट, तो देखो इस तरीके का कुछ दिखता है। और अंदर चलते हैं और आगे दिखाते हैं। तो ये है भाई अंदर से इसकी शक्ल बढ़िया दिखता हुआ, हम भी अपनी सीट पे चलते हैं। तो ये देखो भाई ऐसा कुछ अंदर से दिखता हुआ, सीट्स बनाई हुई हैं और रेलवे का जैसे कंपार्टमेंट होता है उस तरीके से डिज़ाइन करा हुआ है। और यहाँ बैलून्स भी लगाए हुए हैं भाई बढ़िया। ये देखो तो थोड़ा हम भी यहाँ राहुल भैया के साथ बैठे हुए हैं। तो कैसा लग रहा है राहुल भैया यहाँ का रेस्टोरेंट देख दाख के? ट्रेन के डब्बे में बैठ के खाना खा रहे हैं। ट्रेन कहीं जा नहीं रही है, ट्रेन का डब्बा रुका हुआ है पर हमारी अभी भूख चली हुई है। और यहाँ हमारे साथ ताई जी भी बैठी हुई हैं। कैसा लग रहा है ताई जी? अच्छा लग रहा है, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ ऐसे में। हाँ तो है तो सतना में ही, लेकिन मैं कभी गई नहीं हूँ तो आज है, लेकिन अच्छा है, साफ सुथरा भी है। हाँ अब खाना देखते हैं यहाँ पर कैसा है। खाना भी हमने ऑर्डर तो किया है और देखते हैं कैसा है क्या। हाँ अच्छा, वैसे लोग कहते तो है कि अच्छा होता है खाना। हाँ ताऊ जी ने आई थिंक यहाँ पहले ट्राई भी किया हुआ है, इस पे नहीं पर किसी और रेल कोच टाइप के रेस्टोरेंट में। सतना में लोग अच्छा बताते हैं। मैं तो पहली बार ही ऐसे रेल कोच टाइप के रेस्टोरेंट में आया हूँ तो भाई इंटरेस्टिंग है। सबसे साफ सुथरा और भीड़ भाड़ ज्यादा नहीं। हाँ अभी और सजाया भी अच्छा, बैलून्स लगाए हुए हैं तो अच्छा कॉन्सेप्ट है वैसे ये भी। और हमें किसी कारणवश जैसा बताया यहाँ आए हैं तो सोचे अभी दिन में थोड़ा यहाँ आके लंच कर लेते हैं और ठीक ठाक जगह मिल गई है। क्यों ताई जी? हाँ बहुत मुश्किल से मिली है। थोड़ा देख दाख के अपनी लोकेशन देखे जो रास्ते में भी पड़े और स्टेशन ही पड़ गया रास्ते में। दिमाग भी बनना रहा था भाई। सही है सही है, थोड़ा पीछे वाले कैमरे से भी अब दिखाते हैं। तो देखो भाई ऐसे ऊपर बैलून्स भी लगाए हुए हैं बढ़िया। हाँ अच्छा सुंदर बनाया हुआ है। और थोड़ा सा फिर से घुमा के दिखा दें तो देखो ऐसे पूरा रेल कोच टाइप का कॉन्सेप्ट दिया है इसको भी भाई, मस्त ऐसे सजा के। और अलग अलग टेबल्स और यहाँ सोफे भी रख रखे हैं बढ़िया। ये देखो भाई ये यहाँ का थोड़ा मेन्यू है, ये भी थोड़ा एक बार पलट के दिखा देते हैं। अलग अलग पकवानों के प्राइस और नाम भी यहाँ मेंशन हो रखे हैं जिनमें से कुछ कुछ हैं। और भाई यहाँ ऐसे नंबर भी मेंशन हो रखा है। और जैसे दिख सकता है अपनी जैसे विंडो होती है ट्रेन में उसी टाइप की विंडो भी यहाँ लगी हुई है। भाई खाना भी अपना ऑलमोस्ट आ चुका है। तो देखो भाई यहाँ अपनी रोटी राइस दाल और पनीर की सब्जी भी आ चुकी है तो अब इसे खाना शुरू करते हैं। तो भाई ज़रा ट्राई करते हैं थोड़ा, क्योंकि भूख थोड़ी लग रही है ठीक ठाक समय बाद। बढ़िया बना भाई पनीर, अब खाना अपना आगे खा लेते हैं पहले तो। और यहाँ साथ में भाई अपनी आलू गोभी की सब्जी भी है तो बढ़िया है भाई ये सब्जी भी। तो खाना तो हो गया, कैसा रहा एक्सपीरियंस ताई जी? बहुत अच्छा खाना, अच्छा था ज़्यादा, मतलब हम लोग लग नहीं रहा था लेकिन बहुत अच्छा था, टेस्टी था। हाँ नहीं अच्छा है ना, अच्छा स्पाइसी था। हाँ और टेस्ट था खाने, मतलब लोगों ने दोबारा मंगाया था। हाँ चीज़ें रिपीट करी थी तो। हाँ गर्म भी था। हमारे साथ कौशल भैया है जिन्होंने हमें खाना सजेस्ट भी किया और बताया भी, तो इनका भी धन्यवाद करते हैं। और आप क्या बताने वाले थे? मेरा नाम कौशल है जी। मेरे देखिए रेल कोच है स्पेशल खाली है जी जी, इसमें सारी आइटम मिलती हैं जी हमारे पास। आइए स्पेशल देखिए पनीर बटर मसाला है जी, अभी साउथ इंडियन चालू हुआ नहीं, चालू हो जाएगा तो आप लोगों की सेवा मौका देंगे। तो भाई यही सब सबके साथ अब हम बाहर चलते हैं, बढ़िया बताया भैया ने भी। तो देखो ऐसे कुछ हमारी जो बोगी है वो दिखती है भाई, यहाँ जो रेल कोच रेस्टोरेंट है उसका जो वाराणसी में है तो उसकी भी डिपिक्शन हो रखी है यहाँ पे, पिक्चर से भी आइडिया लग सकता है। तो ओवरऑल कहेंगे भाई बढ़िया एक्सपीरियंस तो रहा ही। तो हम यहाँ से भाई बाहर ही आते हैं और अब ताऊ जी से भी जानते हैं कैसा लगा ताऊ जी आपको यहाँ रेस्टोरेंट में खाना खा के और आके। यार एक तो देखो बनारस जो है ना, हाँ जी हमारा हेरिटेज सिटी जी, पीछे दिख भी सकता है डिपिक्शन रेलवे स्टेशन पे। जी हमारा हेरिटेज सिटी है जी, यहाँ पर ये मोदी जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं ना उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी है जी, और हम लोग यहाँ पर बचपन से आते रहे हैं अपने पापा के साथ जी जी। तो उस समय उस मंदिर को देखा करते थे, आज उस मंदिर को जो उसका रियल जो वैल्यू है ना जी, रियल सिग्निफिकेंस जी, उसको भव्यता प्रदान करी है। उसके आसपास का एरिया अब आप कभी जाओगे वहाँ पर जी तो वर्ल्ड क्लास सिटी बन रहा है। बनारस में हम पिछले कई सालों से अपन आ रहे हैं, बहुत बहुत चेंजेस हैं। ये तो एंटरटेनमेंट का एक
अच्छा एक कन्वर्शन किया है कि रेलवे की एक बोगी को मिला करके उसमें रेस्टोरेंट बना दिया, आप अच्छे से बैठो, खाना बहुत अच्छा रहा। हाँ खाना अच्छा था काफ़ी, इट वॉज वेरी नाइस, वेरी क्लीन जी, स्पाइसी नहीं था जी, स्वादिष्ट था जी, सर्विस बहुत अच्छी थी जी, लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा था जी, और रीजनेबल था। हाँ तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस ही कह सकते हैं, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। तो ट्राई करेंगे कभी, जैसे ताऊ जी ने बताया कि बनारस और भी दिखाने का, कभी आएंगे तो ठीक। ये देखो भाई यहाँ दिख भी सकता है रेल कोच रेस्टोरेंट यहाँ पे मस्त, और यहाँ भी बाय 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 करते हैं, भैया भी हमें बाय बाय कर रहे हैं, तो चलते हैं यहाँ से। तो जैसे देखा होगा ताऊ जी ने तो अपना रिव्यू दिया, हमारे साथ राहुल भैया भी हैं, तो इनसे भी जरा पूछ लेते हैं कि इनको कैसा लगा खाना खा के। क्यों राहुल, अच्छा लगा, मजा आ गया खाना खा के। हाँ हम खाए बढ़िया आलू गोभी, आलू गोभी, दाल, दाल पनीर की सब्जी, पनीर की सब्जी, हाँ अचार, सलाद, पापड़। हाँ नहीं पापड़ कहाँ था, अरे फ्लो फ्लो में जीरा राइस, जीरा राइस था, पर हाँ मजा आ गया, बढ़िया। तो वो ला भी रहे थे एकदम, मतलब जैसे अपना गर्मा गर्म खाना था, रोटी भी बढ़िया थी, तंदूरी रोटी, तंदूरी रोटी बढ़िया थी, और भैया तो हमारे साथ ही रोटी खाए, मक्खन नहीं, नहीं पर बढ़िया था भाई, उसी पनीर में इतना क्यों बढ़िया था कि मजा आया, मजा आ गया खाके, बहुत अच्छा खाना था, स्वादिष्ट खाना था, स्वादिष्ट खाना था। और दोबारा जब वो लाए भी तो वो वाला पनीर थोड़ा स्पाइसी भी था, स्पाइसी भी था। वो खाना खा के जैसे हम किसी कारणवश यहाँ आए हैं, तो वो खाना खा के जब हम यहाँ से निकले हैं, तो थोड़ा सा पेट में खाने का जो वो होता है ना आफ्टर टेस्ट, बढ़िया फीलिंग समझ में थोड़ा आ रहा था। तो यही था, हमें जो इन भैया ने वहाँ पे खाने के बारे में बताया कि कौन कौन सा खाना वहाँ अवेलेबल है, और जो लाते रहे उनका भी भाई धन्यवाद करते हैं, जो वहाँ लोग मिले जिन्होंने बाय भी किया, और जो रेस्टोरेंट के थे अपना रेल कोच रेस्टोरेंट वाराणसी के, रेल कोच रेस्टोरेंट, रेल के डब्बे जैसा ही अंदर बढ़िया भी बनाया था, कि क्या नाम है, अंदर बैठ के लग भी रहा था कि रेल के डब्बे में बैठे खाना खा रहे हैं। हाँ अच्छा, मतलब ये तो मैं तो फर्स्ट टाइम ही गया, मतलब रिवर स्टेशन पे भी खड़ी रहती है, पर वहाँ बाहर से ही आना जाना हो जाता है, तो इस बार भाई आके देखने को मिला, और वाराणसी में आके बनारस में आके भाई अपने रेस्टोरेंट में खाना खाने का मौका मिला। तो यही था, राहुल भैया ने भी अपना रिव्यू दिया, सबने अपना रिव्यू दिया, ताई जी ताऊ जी ने भी, तो भाई मजा तो आ गया, सबका धन्यवाद करते हुए और आज के व्लॉग का अंत और समापन करते हैं। आई होप देख के मजा आया होगा, बाकी तो पता ही है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने करने में फिर से बोलता हूँ, अब आप बघेली बोलिएगा ठीक है, थ्री टू वन, तो बाकी तो पता ही है, अरे जब मैं बाकी तो पता ही बोलूंगा तब आप बोल दीजिए, तो बाकी तो पता ही है, हमारे चैनल को लाइक करे के, सब्सक्राइब हाँ, करे के, कमेंट करे के, शेयर करे, शेयर करे के, हाँ करने ना करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, तो कर दो भाई। तो बाय बाय, चाओ चाओ, नमस्ते, चलो।